25 लाख लोगों को मिलेगा सोलर पैनल मुफ्त। दोस्तों स्कीम बहुत अच्छी है, अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो यूपी वालों को होने वाला है, क्योंकि यूपी में 25 लाख लोगों को सोलर पैनल मुफ्त मिलेगा। दोस्तों क्या है ये अपडेट और क्या है पूरा मामला, आपको बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर यूजफुल अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, उसके बाद बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना ताकि इस तरह की यूजफुल अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चले दोस्तों मैं आपको इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से समझाता हूं और बताता हूं पूरा डिटेल से कि भाई कैसे यूपी वालों को होने वाला है एक बड़ा फायदा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अपडेट लिखा है यूपी में 25 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त सोलर पैनल, 25 लाख, ठीक है। अब क्या है ये खबर, इसको जूम करके दिखाता हूं, देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर बिजली योजना का लाभ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के छतों पर सोलर पैनल लगाने का जो लक्ष्य तय किया है उसमें अकेले 25% हिस्सेदारी यूपी को दी गई है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो यूपी को दी गई है। 1 करोड़ लोगों के छतों पर यह सोलर पैनल लगना है। आप यहां पर पीएम ने पहले ही ऐलान किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो यूपी वालों को होने वाला है। यूपी के 25 लाख उपभोक्ता इस योजना से आच्छादित किए जाएंगे। केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ ही पैनल लगाने में केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, यानी कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, ठीक है, कॉमर्शियल को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं को ये लाभ दिया जाएगा। यूपी मेरा ने केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को लक्ष्य वितरित कर दिया है। यूपी मेरा ने इसलिए सभी सेंटरों पर वेंडर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूपी मेरा के पास इस समय 501 वेंडर पंजीकृत है, ठीक है, तो वेंडर भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब देखिए महेश कुमार गुप्ता जी हैं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, क्या कह रहे हैं देखिए समझिए। योजना के तहत भारत सरकार के पोर्टल और इसके लिए बनाए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको कहाँ करना है, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है वहां से आपको करना है, या फिर आप मोबाइल ऐप का भी सहारा ले सकते हैं। आवेदन के साथ ही उपभोक्ता वेंडर भी चयनित करेंगे, कौन से वेंडर से आपको लगवाना है वो भी आप चयन करेंगे। पहले लगाने और मीटर से जुड़वाने की प्रक्रिया के बाद इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी। तो डीबीटी के माध्यम से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है 1 किलोवाट पैनल पर 15,000 रुपए खर्च होंगे, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। इस योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाता है तो उसे महज 15,000 रुपए अपने पास से खर्च करने होंगे, केवल 15,000 रुपए, ठीक है। कुल 60,000 रुपए की लागत में 30,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 15,000 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी, ठीक है। अगर 60,000 रुपए का जो 1 किलोवाट वाला पैनल है आपका वो 60,000 रुपए का है, अब इस 60,000 में से देखिए 30,000 जो है वो केंद्र सरकार दे रही, केंद्र की मोदी सरकार देगी 30,000 रुपए, ठीक है, और राज्य की योगी सरकार जो है वो देगी 15,000 रुपए, ठीक। जो सेंट्रल से मिलेंगे वो 30,000 रुपए मिलेंगे, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलेंगे वो मिलेंगे 15,000 रुपए, ठीक। कुल मिलाकर आपको 45,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, ठीक। इसमें से 15,000 रुपए आपको अपनी जेब से देने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 1 किलोवाट वाले जो सोलर पैनल होगा उसकी जो कीमत है वो 60,000 रुपए है, ठीक है। इस 60,000 में से आपकी जेब से कितने जाएंगे, केवल 15,000 रुपए जाएंगे, बाकी 45,000 रुपए जो है
केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। आगे देखिए, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के पैनल पर लागत का 75% सब्सिडी दी जाने की व्यवस्था है, ठीक है। 3 किलोवाट के पैनल पर सब्सिडी 60%, 4 किलोवाट पर 45% और 5 किलोवाट पर 36% सब्सिडी का इंतजाम है। तो अलग अलग दे दिया गया। अगर आप लोग कहेंगे मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि भाई कितना पैसा आपकी जेब से जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। किलोवाट बढ़ने के साथ ही सब्सिडी की दर कम होती ही जाएगी, यानी कि जितने ज्यादा किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाएंगे उतनी कम सब्सिडी का फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। 10 किलोवाट के पैनल पर 18% सब्सिडी दी जाएगी। तो जितना बड़ा पैनल आप लगवा रहे हैं उतना कम फायदा आपको होगा, ठीक है। जितना छोटा पैनल लगाएंगे, जितने कम किलोवाट का पैनल लगाएंगे उतनी ज्यादा सब्सिडी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप कर सकते हैं अप्लाई, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा इसका डिटेल, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, ठीक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।